अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि विक्स के अंदर जो कस्टमाइजेशन के दौरान जो एडिटर हम ओपन करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन मजीद आते हैं, उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन से ऑप्शन हैं। आज हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे सेक्शंस के अबाउट और उसके रेलिवेंट जो मजीद सेटिंग्स या टूल्स हैं उनके अबाउट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर देखें। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक ऐड सेक्शन करते हैं, तो इस तरह से हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यहाँ तक तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट नाउ इस लेक्चर के अंदर पार्टिकुलरली हम बात करेंगे इस सेक्शन पे। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ये एक पूरा सेक्शन है जो कि ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है। ओके, ये जो ब्लू कलर का जो हाईलाइटेड बॉक्स है ये सेक्शन है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मूव सिलेक्शन, डाउन सेक्शन, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इस सेक्शन को मैं इसके ऊपर वाले सेक्शन से ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ऊपर आ गया, और इसको नीचे लेके जाना चाहूँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इस सेक्शन को क्विक एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड सेट करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं इसको इससे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें ये चेंज हो चुका है। और मजीद इसको मजीद एडिट करना चाहूँ इस कलर की ओपेसिटी और सारी चीज़ों को, तो मैं इस तरह से एडिट कर सकता हूँ। बैक आ सकता हूँ, अब ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ मजीद, तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी मुझे पसंद आएगा वीडियो या टेक्स्ट या जो कुछ भी मैं यूज़ करना चाहूँ वो इसको यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो यूज़ कर ली, अब इसको मैं प्ले करता हूँ लेट्स से या एडिट करता हूं, तो यहां पे मुझे मज़ीद ऑप्शन आ रहा है वांट टू ऐड एन ओवरले, जैसे यहां पे मैं ये ओवरले ऐड हो गया। ठीक है, उस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा एक टेक्सचर जो भी हम ऐड करना चाहें वो इस तरह से ऐड हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर लाइटर चाहिए, डार्कर चाहिए, किस तरह का चाहिए, और फिर उसकी जो पोजिशन है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ये जो वीडियो मैंने ऐड किया उसकी जो स्पीड है उसको मैं तेज़ करना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको इस तरह से एडिट कर पाऊँगा। ये हर जो एलिमेंट है जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उसके रेलिवेंट ये ऑप्शंस डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट चेंज होते रहेंगे, तो मेन बात यह है कि आपको समझ आनी चाहिए। ये तो कॉन्टेंट हो गया क्विक एडिट के अंदर आके, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लेआउट का। तो वी डोंट हैव एनी लेआउट ऑप्शन फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक ही सेक्शन है पूरा, इसके अंदर जो है कॉलम्स नहीं है, उन कॉलम्स को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नया सेक्शन बनाया और उसके अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें एडिट की, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लोर सेक्शन लेआउट्स। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेम वही ऑप्शन ओपन हो गया। मैं इसको फिर कट कर देता हूँ और यहाँ पर देखें इस डॉट वाले के अंदर हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं, रीनेम सेक्शन, सेक्शन लेआउट, क्विक एडिट्स, कॉपी करना है मुझे कहीं और पे यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यूज़ कर लूँगा। इसी सेक्शन को डुप्लीकेट करना है मुझे कहीं और यूज़ करने के लिए तो डुप्लीकेट कर लूँगा, डिलीट करना है डिलीट कर लूँगा, ऐड टू सेव सेक्शन इस तरह से, क्योंकि कोई सेक्शन में हो सकता है स्क्रैच से बनाऊँ और मुझे कहीं और पे उसकी ज़रूरत पड़े तो मैं उसको कॉपी करके वहाँ पे यूज़ कर सकूँ, सेव सेक्शंस में यूज़ करके किसी और पेज पे यूज़ कर सकूँ। ठीक है, इसी तरह से मुझे यहाँ पे कोई कैडिट्स रीनेम सेक्शंस करने हैं तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली ऑप्शंस थे हमारे पास उस सेक्शन के। ठीक है, उस सेक्शन की सेटिंग के हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गए। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जो है सेक्शन के और ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, उस पार्टिकुलर सेक्शन का बैकग्राउंड या उसको डिज़ाइन कर सकते हो, उसके हाइट विड्थ या बाकी एलिमेंट्स उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।